एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली ब्लॉग में। तो एक सांस में बोल गई तो आप है, आज है जन्माष्टमी। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करे, कृष्ण भगवान जी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करें, लड्डू गोपाल, और मेरी मनोकामनाएं भी पूरी करें। और ये कोरोना की जो लड़ाई है, हमारी स्टोरेज हो गई थी फुल, रिसाइकल में जाके बहुत सारी वीडियो डिलीट करी है उसके बाद ही वीडियो, क्योंकि वीडियो बीच में ही रुक गई थी, बनना बंद हो गई थी। तो देखिए आज है जन्माष्टमी, जैसे मैंने बताया, लड्डू गोपाल जी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। भगवान करें जिनके घर में लड्डू गोपाल जी की कमी है उनके घर में भी कमी पूरी हो जाए, क्योंकि देखिए सभी को एक छोटे से रूप में बाल गोपाल चाहिए अपने घर में। तो मैं वही दुआ करूंगी भगवान से कि उनकी मनोकामना भी पूरी हो जाए। तो चलिए आज मैंने कैसे लड्डू गोपाल जी को अपने को नहलाया है, उनका श्रृंगार किया है, मतलब करूंगी, और किस तरीके से और जन्माष्टमी पे हमारे यहाँ क्या क्या बनता है वो सब मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। और हमारे घर में भी दो बाल गोपाल हैं छोटे से, आप लोग जानते हैं गन्नू पिंकू, उन लोगों को भी हमने कुछ सोचा है तैयार करने का, तो उनको भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी तैयार करके क्या बनाना है। ये सोच रहे पिंकू को राधा बना दे, राधा कृष्ण गीता का भी बहुत मन है, तो देखते हैं। लेकिन सामान दोनों का ला के रखा हुआ है, जैसे भी होगा आपके साथ शेयर करूंगी मैं। तो चलिए जन्माष्टमी के पहले हम अपने लड्डू गोपाल जी को नहला देते हैं। बाल धो लिए हैं मैंने, नहाना सारा काम हमारा सुबह का जो होता है झाड़ू पोछा का सब फिनिश हो चुका है। मैं इनकी वीडियो पहले शुरू कर लेती हूँ, उसके बाद में अपने खाने पीने का और ये सारा काम करूँगी, और अपने लड्डू गोपाल जी को भी तैयार करूँगी, और अपने दोनों गोपाल जी को भी, घर वाले यानी कि तीनों गोपाल जी को तैयार करूँगी। चलिए मिलती हूँ आगे आप लोगों से। तो यहाँ पर देखिए मैं नहला रही हूँ लड्डू गोपाल जी को। पहले इन्हें नहलाऊंगी चंदन से, चंदन लगा करके अच्छे से हल्के हल्के हाथ से ऐसे मल करके पूरे, और उसके बाद में दही का जो चना मृत बना के रखते हैं आज, उनसे भी उनका लड्डू गोपाल जी का स्नान होगा। तो बस पहले इसको लगा के चंदन को अच्छे से नहला दूंगी, उसके बाद में ये दही का मैंने वो डाल दिया, उसके बाद उससे नहलाऊंगी, क्योंकि आज तो वैसे भी जन्मदिन है। तो जन्मदिन की पहले ही गन्नू पिंकू, पिंकू को तो आज बहुत वो लग रहा है कि गोपाली का जन्मदिन है, गोपाली बोलता है, वो गोपाली का जन्मदिन है, उसको लग रहा है कि जैसे मेरा जन्मदिन होता है बुआ केक लेके आती है, ऐसे गोपाली का जन्मदिन में भी केक आएगा, तो उसको यही है कि मैं काटूंगा बुआ केक। तो बस यहाँ लड्डू गोपाल नहा लिए हैं हमारे, मैं उनका अब जो मेकअप है श्रृंगार है मतलब वो कर दूंगी। तो चंदन से माथे पर मतलब चंदन वगैरह लगा दिया टीका, उसके बाद लड्डू को भी हम येलो कर देंगे, तो ये भी मैंने चंदन से ही येलो कर दिया है। उसके बाद में हम लड्डू गोपाल जी का आज अच्छे से सुंदर सा मेकअप करेंगे, नए कपड़े पहनाएंगे। तो यहाँ देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी का हो गया है मेकअप, और उसके बाद में आप नए कपड़े पहनाएंगे उन्हें, क्योंकि भाई जन्मदिन है तो नई ड्रेस वगैरह सब चीज़ गोपाल जी की होनी चाहिए। तो माला वगैरह पहना करके अच्छे से आज मैंने उनका श्रृंगार किया है, और उसके बाद में उन्हें हम पहले तो मैंने ऐसे ही उनका जो आसन है वहीं बिठाएंगे, और मैंने साइड में चौकी भी अलग से आज लड्डू गोपाल जी के लिए लगाई है मंदिर में, और टोपा में नया लेकर के आई थी तो वहां पर लड्डू गोपाल थे दुकान में रख करके, तो साइज में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तो ऐसा बड़ा आ गया है, इशू भी हंस रही थी। तो यहाँ लुक देख लीजिए, अभी हम मोर पैंच भी लगाएंगे लड्डू गोपाल जी की, और बाकी का अच्छे से सजाएंगे। तो यहाँ देखिए मोर पैंच भी लगा दिए, कितने सुंदर लग रहे हैं ना, चौकी लगा दी है। तो पहले नॉर्मल ही पूजा कर लेती हूँ मैं। और यहाँ पे देखिए मेरे राधा रानी बन के हो गई हैं तैयार। गीता ने मेकअप कर दिया, लेकिन पीछे राधा चलो, पीछे लग रही तो एप्पल खाने बैठ गया है कि नहीं पहले बुआ एप्पल खाऊंगा मैं, उसके बाद ही फोटो खिंचाऊंगा। होता है ना बच्चों के साथ बहुत एडजस्ट करके वीडियो, और पिंकू के साथ तो खास करके गन्नू हमारा खिंचवा लेता है, पिंकू जल्दी से फोटो खिंचवाने के लिए गन्नू के तो बहुत सारी चीजों का लालच देना पड़ता है, जाके वो फोटो खिंचाता है। तो यहाँ देखे कृष्ण जी और राधा कैसे लग रहे हमारे दोनों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाथ पकड़ के गीता ने आपने चुनरी उड़ उसको साड़ी की तरह पहना दी है, नहीं तो दोनों को हम लोग यही था कि भाई कान्हा ही बनाएंगे, राधा नहीं, तो एक को उसने राधा बनाने के लिए अपनी चुनरी वगैरह को सेट कर दिया। यहाँ गन्नू की आवाज थोड़ी सी लो आ रही थी इसलिए मैं बोल रही हूँ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ पेड़े, मैंने खोवा जो निकाला था ना आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी,
और जन्माष्टमी वाले दिन हमारे यहाँ पे अगर पेड़े नहीं बनेंगे तो आप लोगों को सच बताऊं जन्माष्टमी बिल्कुल नहीं मनेगी। बचपन से मैंने देखा है आज के दिन हमारे घर में पेड़े बहुत जरूरी हैं जो बनते हैं। तो यहाँ पे जो मोटा वाला बूरा आता है जिसको हमारे यहाँ पे तो करारा भी बोलते हैं, आप लोगों के किस किस के यहाँ करारा इसको बोलते हैं मुझे बताना। इसमें थोड़ी सी डली लग रही थी तो मैंने ये वाली चलनी है जो इससे अच्छे से छान लूंगी, क्योंकि दूसरी चलनी तो हमारी आटे की हो रही है और व्रत में आटे की चलनी का यूज नहीं करते। और इसको मैंने अच्छे से चेक कर लिया है। अब इसमें हम खोया डालेंगे, जो मतलब मावा भी बोलते हैं, मावा और खोया एक ही चीज होती है, आप कुछ भी बोल लीजिए। तो यहाँ पे पहले मैं डाल के इसको मिक्स करके थोड़ा सा छोड़ दिया है मैंने, क्योंकि यही था कि कहीं ज़्यादा कम ना हो जाए, अगर लगेगा मुझे कम है तो दोबारा मैं डाल दूंगी। और इसमें मैंने 1 किलो लिया था ये करारा, लेकिन आपने देखा है काफ़ी सारा मेरा बच गया है, तो यानी कि 1.25 किलो के लगभग मेरा करारा होगा, 0.5 किलो से थोड़ा ज़्यादा है। तो इसको अच्छे हाथ से हल्के हल्के हाथ से इस तरीके से मैश करेंगे पूरे को, खोवा को इसमें। और इसमें पेड़े में वैसी कोई भी चीज़ नहीं डलती है जैसे ड्राई फ्रूट वगैरह है, क्योंकि मैंने मार्केट के भी लेके खाए तब उसमें भी और इसमें भी, और बनने के बाद ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। मेरे घर में हमेशा यही बहुत ज़्यादा बनते हैं, बाकी आपकी इच्छा जो बनाना चाहो, लेकिन आज के दिन पेड़े ज़रूर बनेंगे। अच्छे से मिक्स कर लिया, उसके बाद बना रही हूँ पेड़े। तो यहाँ पे पहले गोल करेंगे, उसके बाद में थोड़ा सा हथेली की सहायता से इस तरीके से दबा के पेड़े बना देंगे। गांव में तो ऐसे लड्डू बनाते हैं, लड्डू के टाइप में बना लेते हैं, बल्कि गन्नू पिंकू को तो यही लग रहा था ये बुआ आप ऐसे क्यों बना रही है, गोल वाले लड्डू बनाओ। तो आधे मैंने इस तरीके से बना दिए पेड़े और आधे बनाए हैं मैंने लड्डू, क्योंकि उन दोनों भाइयों को बहुत ज़्यादा शौक हो रहा था कि नहीं बुआ लड्डू ही बनाओ, ऐसे वाले पेड़े हम नहीं खाएंगे। तो भाई देखिए वो भी राधा कृष्ण बने, उनकी बात माननी पड़ेगी। तो यहाँ देखिए इस तरीके से पेड़े मेरे बन के तैयार हो गए। तो आप लोगों ने किस किन ने क्या क्या बनाया मुझे कमेंट करके शेयर कीजिएगा। और यहाँ पे मेरा जो खोया थोड़ा सा बच गया था, चाशनी बना के मैंने ये वाला डिटेल में मैंने वीडियो अपने दूसरे चैनल पर आप लोगों के साथ में शेयर किया है, जिसने अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे दूसरे चैनल को जा करके देखें और सब्सक्राइब भी करें उसको, कुसुम्स वर्ल्ड उसका नाम है मेरे चैनल का। तो इसकी मैं यहाँ पे थोड़ी सी बर्फ़ी जमा दूंगी, क्योंकि बच्चों को ये वाली बर्फ़ी भी बहुत ज़्यादा पसंद है और एक इजी रेसिपी है, इसमें कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत है, इसको कभी भी फटाफट से बना के जमा लीजिए। तो इसको भी मैं जमा दूंगी। यहाँ पे मैंने पहले से ही थाली को मतलब इस तरीके से थोड़ा सा घी लगा के रख दिया है, और अब इसमें मैं सारा जो बैटर है इसको पलट के फिर इसको हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। और आधे घंटे से पहले ही बल्कि बन के मेरी जम के तैयार हो गई थी, थोड़ी सी ठंडी होगी तभी हम इसमें थोड़ा सा कट लगा देंगे, क्योंकि ज़्यादा ठंडी होने पे ना ये फिर बर्फ़ी अच्छे से कट नहीं पाती हैं, टाइट हो जाती हैं। और उसके बाद फिर मैंने घी डाला है यहाँ पे, और अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे उसकी धनिया की पंजीरी, क्योंकि देखिए आज जन्माष्टमी है, धनिया की पंजीरी ना बने ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो बस यहाँ पे मैं गोंद भून लूँगी। मेरे पिंकू की तबीयत इतनी ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा फीवर हुआ, जिससे मैं उसको डॉक्टर को लेके गई थी इंजेक्शन लगाना, ब्लड टेस्ट हुए, देखते हैं ब्लड टेस्ट में क्या आता है फिर आप लोगों को मैं बताऊंगी। सारी चीज़ें भुन गई हैं, धनिया भी अच्छे से भून लिया है। धनिया आपका एकदम शुद्ध होना चाहिए, यानी कि मसालदानी वगैरह में नहीं रखा होना चाहिए, अलग से डब्बे में सबको कूट लिया है। उसके बाद में अच्छे से इसमें मैं मिक्स करके, और बूरा अपने अकॉर्डिंग जितना मीठा आप खाते हो उतना मीठा डाल लीजिए। और ये देखिए पंजीरी हो गई ना बनके हमारी तैयार। बहुत लोग इसमें बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, लेकिन मैंने कुछ जो बेसिक सी चीज़ें हैं वही डाली हैं। ये पेड़े बनाए हैं, ये मैंने बर्फी जमाई है, जैसे आप लोगों को बताइए दिखाया था, मतलब देखिए बहुत अच्छी और एकदम गलत जगह है, मेरा फोकस अभी नहीं कर रहा ठीक से। ये बर्फी जमाई है मैंने यहाँ पे, अभी यहाँ पे मैंने बना दिया है जो धनिया का बनाते हैं पंजीरी, वो इसमें सारे ड्राई फ्रूट डाल करके
और बुरा डाल करके ये बना दिया, ये बन गया हमारा जन्माष्टमी का सारा भोग और प्रसाद। बोल लिपस्टिक लगा के बोल, आने जा रहा पे। रात के खाने बनाया है मटर पनीर, तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा ग्रेवी मतलब प्याज नहीं डाली है, टमाटर की रेसिपी शेयर नहीं की है, खाली दिखाई है कितना अच्छा लग रहा है ना ग्रेवी भी बिना प्याज की। आज मैं अपने वीडियो का यहीं पर एंड करूँगी, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। कल मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय। और आगे वाले वीडियो मेरे बहुत इंटरेस्टिंग आने वाले हैं आप लोगों को, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जो न्यू है, क्योंकि मेरे घर में आप लोगों को पता ही है इंगेजमेंट के फंक्शन की जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं, तो वही सब मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बाय बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग।